सिंपल, इट इज अ रिडक्शन इन योर फंक्शन, इट इज अनएबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क. जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, वो हम लोग नहीं कर सकते. इट इज अनएबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, इट इज अ रिडक्शन इन फंक्शनल एबिलिटी. इट इज रिडक्शन इन फंक्शनल एबिलिटी. आपके किसी भी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम, रिडक्शन हो जाती है, आप वो काम को प्रॉपर तरीके से जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता वो नहीं कर सकते. एंड इट इज डिपेंड पर्सन टू पर्सन. ठीक है, डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है इसको कितने परसेंट डिसेबिलिटीज है, ठीक है, उसके हिसाब से इनका आगे सारा क्राइटेरिया होता है. जो हम इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल में भी ऐसे ही होता है, उसका वो लेवल चेक करते हैं किस लेवल के हैं. ठीक है, जिनका IQ लेवल बहुत लो होता है बच्चों का, इंटेलेक्चुअल हम क्या बोलते हैं, जिनका ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने डिफरेंट क्राइटेरिया, वो डॉक्टर सर्टिफिकेट्स देता है. उसी के बाद आप लोग इस डिफरेंट कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी ये बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका वो सर्टिफिकेट्स होता है. अब जैसे आपका किसी का कोई प्रॉब्लम होगी, लिम छोटा बड़ा हो गया, वो रहता ना कईयों का पैर छोटा बड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसका भी वो डॉक्टर देंगे आपको कि ये दिस मच 30% 40%, उस हिसाब से आपका क्राइटेरिया बनता है. तो मेनली हमारा इसमें ये आपका है कि आपने फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, गेम्स के थ्रू इन बच्चों को इन्वॉल्व करना है. और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करके, ठीक है, एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा उनमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुई. जब आप कोई एक्टिविटी करोगे, आपको डिफरेंट कोचिज हैं, फिजियोथेरेपीज हैं, आपको डॉक्टर सुपरवाइज कर रहा है, तो उससे नेचुरली क्या होगा, आगे क्या होता था, उन बच्चों को कोई देखता नहीं था, कोई पूछता नहीं था, उनको जो मिला खाया, जिसने देखा, कोई केयर कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है. बट नाउडेज आपको एक इवेंट मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं, मैंने ये एक्टिविटी करनी. जिस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो गया, वो फिर जो इंटरेस्ट होता है ना, बेटा मास्क पालो, चलो थोड़ा रख लो पर हाथ डाल लो, ठीक है, वो फिर एक इन्वॉल्वमेंट रहती है आपको. फिर आप सुबह उठते हो, आपको पता है मैंने जाना है एक घंटा अपने गेम करनी है, शाम को जाना है मैंने गेम करनी है, तो वो उनका माइंड भी डेवलप होना बहुत शुरू हो जाता है जल्दी. जितने भी आप इंटेलेक्चुअल जो आपका प्रॉब्लम आती है, ब्रेन से रिलेटेड आती है, समटाइम जो आपके कोई स्ट्रेंथनिंग पावर कम होगी, अगर आप उसको डेली आप उसको वर्कआउट कर रहे हो, उस बच्चे को उसको एक्सरसाइज करा रहे हो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट पर्सन, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट के. बहुत ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट, रिसर्चर, उन्होंने इस पर बहुत काम किया है. वन ऑफ द लेडी प्रेजिडेंट ऑफ USA, उसने बहुत वर्कआउट किया है इस पर कि हम इस टाइप के लोगों को उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या हम वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक है, तो उनके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर दिस एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. तो उसमें हम क्या डिफरेंट, अब कोई भी है दैट इज अ मेंटली फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है, और एक आपको दिव्यांग वर्ड का पता होना चाहिए. ठीक है, हम इनको हैंडीकैप नहीं बोलते हैं, दिव्यांग. हाँ, इनका अलग अलग इनका होता है, इनके अलग मैचेस होंगे, पैरा ओलंपिक मैचेस. आपने देखा ना व्हील चेयर में बास्केटबॉल खेल रहे हैं. हाँ, उसके दोनों आर्म्स नहीं है, देखा है? मैं तो आई एम रियली शॉक. यहाँ पे इतने हैं उसके, है ना, आर्म, और यहाँ पे उसने एक बेल्ट बांधी है शोल्डर के साथ, उसी से वेट को उठाया और ऊपर ऐसे करके और बॉडी से झटका देके ऊपर स्नैच. हाँ, मतलब वो चीज आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं. वो वीडियो मैं कितनी बार देखी है, आप देख लो कि यहां से बांध के उसमें उसको ग्रिप बना के इसका आर्म्स का फोर आर्म से उसका ऐसा है, और यहां से पुश किया उसने वेट को और ऊपर शोल्डर में, देन शी लिफ्ट. मतलब सोच भी नहीं सकता आदमी भी, ये आप दो हाथों वाले आदमी नहीं करते हैं, तो बाकी आप उनको देखो
बहुत आपको ऐसे एग्जांपल है, आपने वो देखा ही है एथलीट स्प्रिंटर आर्टिफिशियल जो लेग्स उसके साथ, और अच्छे अच्छे जो स्प्रिंटर हैं उसके कैटेगरी में थ्रोअर तो बहुत हैं ऐसे, बहुत जिन्होंने वर्ल्ड, ये देविंदर है इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया इसने पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो का, ठीक है, ऐसे से बहुत है आपको एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें आपने डिफरेंट, एक तो ये राइट डाउन व्हाट आर द एम, ये आपको हेडिंग में एम एंड ऑब्जेक्टिव, हमारा एम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल टू अचीव फिजिकल फिटनेस एंड इमोशनल, फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। द मेन एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू अचीव फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ दिस डिसेबिलिटीज। तो इसके लिए हमको क्या क्या ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल प्रोग्राम, पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल प्रोग्राम, कोई भी आपका एजुकेशन प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोई एक्टिविटीज हैं उन बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा से ज्यादा करवानी चाहिए आपको। अगर वो कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, सम टाइम क्या होता है आपने डिफरेंट डिसेबिलिटीज हैं उसमें ऑटिज्म होता है आपका, ठीक है, हाइपर एक्टिविटीज, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनकी जो इंटेलेक्चुअल रिलेटेड आपकी डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, कोई हाइपर एक्टिव होते हैं वो 10 बच्चों में आराम से नहीं बैठ सकते हैं, उनमें एनर्जी बहुत है, वो कोई ना कोई शरारत करते रहेंगे, ठीक है, कई ऑटोइज्म, ऑटोइज्म मीन्स कि वो अपने साथ बिल्कुल अपने को आइसोलेट कर देंगे, ना बैठेंगे ना मिलेंगे ना किसी कुछ करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज के जो चिल्ड्रन हैं उनको आपने कैसे टैकल करना है, ठीक है, और कोई भी अगर व्हील चेयर में हो या कोई दिव्यांग जिसको हम बोलते हैं उसको कभी हैंडीकैप मत बोलो, ये कुछ एटिकेट्स है, दीज आर द सम एटिकेट्स। If you see any such type of person, never उसको कभी direct ये मत बोलो ये क्या हो गया है तुमको, ठीक है, तो उससे वो irritate होता है, एक तो पहले ही उनको ये problem होती है, तो you have to change your style of asking the question, आप उसको किसी और तरह से पूछ सकते हो, direct नहीं पूछो उसको, ठीक है, तो उनको भी ये feel होता है कि एक तो हम हमारे को ये problem है तो और लोग हमको इसी चीज़ के बारे में बार बार पूछते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ एक परमानेंट अटेंडेंट रखते हैं जो उनको अंडरस्टैंड करता है, जो उनकी बातों को समझता है, उनको भी थोड़ा होता है कि अपनी चीजों को उनको वो इजीली बता सकते हैं, तो उनसे थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। और वो आप बोलते हैं ना जैसे कि ऐसे बच्चों में कोई ना कोई एक थर्ड सेंस होती है, कुछ ना कुछ उनमें क्वालिटीज होती हैं, जैसे अभी इन्होंने लोगों ने देखा है कि इनको स्पोर्ट्स में लेके आए, अदरवाइज अगर ये एक्टिविटी नहीं होती स्पोर्ट्स, फिर ना उन्होंने कोई एक्टिविटीज करनी थी फिजिकल, ठीक है, तो उनकी लाइफ ऐसे ही निकल जानी थी। बट अब एक उनके पास एक जलंधर में आपके लवली में हुई थी यहाँ पे 2 years back, यहाँ पे आपका आई थिंक नॉर्जोन इनकी पैरा ओलंपिक्स वालों की दिव्यांग जो होते हैं, तो ये हर स्टेट में वो करते रहते हैं इवेंट्स। यहाँ पे एक कोई डॉक्टर्स हैं, उनका भी बेटा है, वो भी कुछ खेल रहा है शूटिंग में, पता नहीं किस में है वो, थ्रोइंग में, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ठीक है। तो मेन हमारा क्या, उनको एजुकेशनल प्रोग्राम में उनको हमने पार्टिसिपेशन उनकी करवानी जरूरी है, उनको हाँ ये करवाते रहते हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे हैं, बहुत हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, हाँ बहुत बच्चे हैं ऐसे, बहुतों के कई एक्सीडेंट हो गए। ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसको 9 years का था ये, जब ये देवेंदर, तो ये बिजली करंट से उसको उसकी वो जो आर्म थी वो उनको काटनी पड़ी डॉक्टर को, तो उसके बाद उसने जैसे शुरू करा मैं खेलना या कुछ करना है, पहले तो वो 2-4 महीने 6 महीने तो नेचुरली शॉक में चल जाता है आदमी जब किसी को ऐसी चीज हो जाए, और वो भी बच्चा, वो बोले मैंने कुछ करना है, कहते आप तो हैंडीकैप्ड हो, घर पे बैठो पढ़ लिख लो, कईयों ने तो ये बोल दिया है कि आपको जॉब इजिली मिल जाती है हैंडीकैप्ड वालों को, आप थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि हैंडीकैप कोटा होता था ना पहले, अब हम जैसे दिव्यांग बोलते हैं, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट उनकी गाइडलाइंस अपनी दे देते हैं, जिसको बोलते हैं ना सलाह,
वो उनके माइंड में रही कि नहीं मैंने कुछ करना है। फिर जैसे उनको पता लगा ये प्लेटफॉर्म है यहाँ करते हैं, और वो देखो कितने साल हो, और उसके पता नहीं कितने साल बाद अगेन वो दोबारा आए खेलने, और अगेन मतलब वो रिकॉर्ड बनाया। बहुत से ऐसे हैं, एक वो उसका आई फॉरगॉट इट द नेम ऑफ दैट गर्ल, वो ट्रेन से उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, उसको फेंक दिया था, सारी रात वो ट्रैक पे रही, दोनों उसकी लेग्स चूहे खाते रहे। सुबह उठी तो उसको जब उठाया, फर्स्ट एड दी, कितने मंथ साल ही लग गए उसको ठीक होते हुए। उसके बाद उसने क्या कहा कि भगवान ने मुझको अगर बचाया इतनी मतलब कंडीशन से, तो मैंने कुछ करना है लाइफ में। और आपको पता है वो माउंट एवरेस्ट पे भी, माउंट विजेंद्री पाल का नाम सुना है, उसने कितनी बार क्लाइम कर लिया है वो, उसको उसने कहा, तो वो कहते हैं तुमने माउंट एवरेस्ट आपने क्लाइम कर लिया है, अगर आपने इस कंडीशन में आपने इतना हौसला रखा है, आदमी सोचता भी नहीं वहां जाने की, अच्छा वाला आदमी नहीं सोचता है, कहते आपने आप मतलब कि आपने वहां पे इंडिया का फ्लैग होस्ट कर दिया है, आप में इतना जज्बा है। और जब वो लास्ट स्टेज का उसने वो मोटिवेशनल स्पीच देती है बहुत जगह जाके, तो जब वो लास्ट स्टेज थी तो आर्टिफिशियल सारे उसके थे, वहां से उसमें से ब्लड और वो सारा सिस्टम, क्योंकि वहां टेम्परेचर वो माइनस कितना हो जाता है, तो दैट इज मेन प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन अंदर सब कुछ, मतलब वो कोलैप्स होने वाली सिचुएशन अच्छे अच्छों की हो जाती है। तो फिर भी वो गई वहां से, देखो आई, तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस है लाइफ में। जिसने हार मान ली है वो तो उसका चाहे जैसा मर्जी, हाथ पैर शरीर ठीक ठाक है, जिसने हार मान ली वो घर बैठे मान लेता है, ठीक है। तो ये एक लाइफ में ऐसे से बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत लोग हैं, एक नहीं बहुत लोग हैं जिन्होंने मतलब, अब आपने हिस्ट्री भी सुना होगा ना, महाभारत वगैरह, एकलव्य क्या किया था, हाँ, तो वहां पे ऐसे ही, फिर भी उन्होंने गुरु नहीं था तो मूर्ति बना के अपने गुरु बनाया है। जिसने कोई काम करना होता है ना, वो हम लोग क्या करते हैं, हमको सब कुछ मिल रहा है तो हम वहां पे भी कोई ना कोई रीजन नेगेटिव ढूंढते रहते हैं, अगर ये होता तो ऐसा कर लेते, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। अब जिन लोगों ने मेहनत करनी है, उन्होंने कुछ अपना अचीव करना है लाइफ में, वो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे, अभी आप IIT में देखो, और एक यंगेस्ट जो बना है IAS ऑफिसर, आई थिंक 22 or 23 ईयर्स, और बहुत से अभी बच्चे गए जो इसमें गए हैं, वो आपके कोई रिक्शा पुलर है, आप स्पोर्ट्स में देखो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घर पे बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जिनको कोई गाइडेंस भी नहीं है, बट दे आर डूइंग देयर वेल, और दैट इज ओनली ड्यू टू योर विल पावर। अगर आप में विल पावर है, आप कोई भी काम इजली कर सकते हो, ठीक है, चाहे अच्छा हो बुरा हो शरारती हो जो भी हो, एक वो जज्बा होना चाहिए कि मैंने ये काम करना। नेक्स्ट लिखो इसमें ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर आप उसको बूस्ट करते रहोगे मोराल, देन नेक्स्ट लिखो बूस्ट देयर मोराल, एनहांस सोशल स्किल्स, वो भी लिख ले क्या हो गया सोशल स्किल, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, इंप्रूव फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, देन मॉडिफाइंग इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स then knowledge regarding body mechanism, development of sportsmanship,
लास्ट कौन? स्पोर्ट्समैनशिप कौन? स्पोर्ट्समैनशिप हाँ, देन मॉडिफाइंग इन रूल्स, रूल रूल्स जो रूल्स होते हैं गेम के वो उनके हिसाब से होते हैं। एंड मेडिकल सुपरविजन या स्टाफ, मेडिकल स्टाफ सुपरविजन। जितनी भी ये गेम्स होती हैं इसमें इनके रूल सारे मॉडिफाई किए जाते हैं, उनके ग्राउंड का, उनका इक्विपमेंट्स का डायमेंशंस, ठीक है, उनमें लिटिल बिट चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम। अब वो नहीं कि उनको आपने उतने ही इवेंट कराना है जो एक आप नॉर्मल लोगों को कराते हैं, ठीक है, तो सारे रूल इक्विपमेंट उनके मॉडिफाई होते हैं। देन आपका उनको स्पोर्ट्समैन, जब आप खेलोगे आपको स्पोर्ट्समैनशिप आएगी, आपका मोरल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उनका, तो नेचुरली जो आपका मेंटल लेवल है वो क्या होगा, मेंटल लेवल में बहुत इंप्रूवमेंट होगी, आप स्ट्रांग होगे मेंटली, आप अपने आप को ये फील नहीं करोगे कि मैं लोगों से अलग हूँ, मुझको लोग जब आप कोई अचीवमेंट करोगे तो यू फील प्राउड। अब जिन लोगों ने वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे मेडल ले रहे हैं तो वो एक और लोगों के लिए क्या है, एक आइडियल, एक उनके लिए मोटिवेशन लेवल का एक वो बन जाता है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कि इस आदमी ने देखो ऐसे होते हुए भी ये अचीवमेंट की है, तो वो फिर एक अपने आप में रोल मॉडल भी हो जाते हैं, उनसे उनका कॉन्फिडेंस बनता है। बाकी बच्चों को क्या होता है, उनको देख के हम बोलते हैं ना थे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड, पता है, अगर आप एक कैट को ना किसी केज में डाल दो, ठीक है, उसको फिर उसके सामने उसको केज को खोलना दो तीन बार करो आप ऐसे, वो थोड़े देर बाद अपने आप खोलना शुरू कर देगी, दैट इज लर्निंग बाय इमिटेशन, देख देख के सीख जाते हैं। आपने देखा है ना सर्कस में इतने बड़े शेर को वो रिंग से जंप करा रहे होते हैं, आओ वो आपका एलिफेंट आ रहा है जी, वो फुटबॉल खेल रहा है, बॉल रख रहे हो, पिक मारता है, वो पब्लिक में कहाँ जाती, और बैलेंस करते हैं उसको, एक उस स्टूल पे जी उसका एक पैर रख के ऊपर खड़ा कर देते हैं। दिस इज द लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय इमिटेशन मेथड। कोई भी स्किल है आप, जब आप आदमी को देख लो, आप जानवर से काम करा लेते हैं, एनिमल से, आप मतलब सोच सकते हो कि आप लॉयन को, कोई वो बियर है, कोई भी एनिमल है जो कितने डेंजरस होते हैं, आपने यू हैव सीन द मैनी पीपल्स दे आर इन गल्फ, उन्होंने शेर पाले हुए जी, बड़े बड़े आपके शेख देखे, उनके बीच सो रहे हैं, कर रहे हैं, और अभी इंसिडेंट भी हुआ एक लास्ट, कोई था उसको गुस्सा आ गया तो उसने, हाँ तो वो एनिमल है, एनिमल एनिमल है, बट दैट रेयर, तो वो तो फिर जानवरों को सिखा लेते हैं, फिर आदमी तो आदमी होता है ना, तो ये सारी चीजें आपको, इसीलिए उसमें इन्होंने कहा है कि जो ऐसे बच्चे हैं, हमने अब तो यहाँ पे गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी हैं रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स की है, आपको कोचेज मिल जाएंगे इनसे रिलेटेड, आगे बहुत प्रॉब्लम थी, कोई सेंटर नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है ना, आपके पास हाईली इक्विपमेंट्स जो रिलेटेड टू दैट पर्सन, अब वो उनकी जो व्हील चेयर होती है वो उसी में इतनी तेज चलते हैं, देखो ड्रिबल करते हैं और उसी से टर्न करेंगे, उसी से वापस आ जाएंगे, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कवर करना ही पड़ता है ना, एंटिसिपेशन करना है, वो मार रहा है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो ये कोई ईजी जॉब नहीं होता है। सारे उनके सारे लेटेस्ट, जैसे अब आपने देखा है नीरज चोपड़ा, इसका जेवलिन थ्रो का देखा है प्राइस कितना है, इन लैक्स, मतलब अभी इसको साई ने परचेज करके दिए हैं 4 या 5 जेवलिन थ्रो, वो 4.5-5 लाख से ऊपर की, तो उसमें क्या है, गॉड नोज, जो कंपनियां बनाती हैं वो लेटेस्ट क्या क्या बनाती हैं। पाकिस्तान वाले ने, हाँ वो भी कॉम्पिटिटर था इसका, वहां पे तो यही हो गया था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो भी अच्छी थ्रो मार रहा था,
सेम जैसे आपका मिल्खा सिंह का, और उस टाइम एक उनका नवी नवी होता था एथलीट, वो भी वर्ल्ड क्लास एथलीट था, ठीक है। तो मिल्खा सिंह की जो लास्ट स्टेटमेंट थी वो भी यही थी कि मैं अपने जीते जी चाहता हूं कि कोई एथलेटिक्स में बच्चा गोल्ड लेके आए। अगर वो पीछे नहीं देखते ना, 60 ओलंपिक में तो 100% गोल्ड था, उससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में। हाँ, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई कोच नहीं था, ट्रैक सूट भी उन्होंने वहां जाके देखे थे, अच्छा और वो नंगे पाँव बेयर फुटेड, स्पाइक्स का पता ही नहीं था, अभी स्पाइक से भागना होता है। तो उन लोगों ने भी वो वॉमिट करना, ब्लड निकलना, फेंट हो जाना ग्राउंड में, फिर कंडीशनिंग करनी है, फिर एक्सरसाइज करनी है। तो वो एक, इसीलिए उनको फ्लाइंग सिख वो वहीं पे बोला था उनको, पाकिस्तान में जब वो इवेंट हुआ था तो वो उनका जो सुपर स्टार था वो थर्ड या फोर्थ आया था, तो वहाँ के जनरल जो थे उन्होंने उनको बोला था कि रियली यू आर अ फ्लाइंग सिख, तो उनका नाम फिर फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हो गया था। और कितने साल तक उनका 400 मीटर का रिकॉर्ड रहा, पता नहीं 25-30 साल से ज्यादा, जो उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था अपने। ऐसे से बहुत एथलीट हैं जो इतने सारे हैं। सेम आपकी ऐसे सेम वुमेन में पीटी उषा थी, उसको भी उड़न तस्त्री बोलते थे, एशियाड की, वो ट्रैक एंड फील्ड की बहुत अच्छी एथलीट थी। उसके बाद और भी आए, बट कुछ एक ऐसे हैं। अब अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड लिया था, वो भी अपनी टोटलर की घर से, वो बहुत अच्छा साउंड फैमिली से था, अपनी शूटिंग रेंज बनाई थी उसने, अपने वेपन, जो इनके वेपन होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, जो आपका आर्चरी है, शूटिंग है, इसमें आपको एयर का बड़ा फर्क होता है। जहां पे अभी अब ये कर रहे थे ना ओलंपिक में, हमारे आर्चरी की नंबर वन थी वर्ल्ड की, सीमा क्या नाम है उसका, शी इज रैंक नंबर वन इन वर्ल्ड, बस वहां पे वो हो गया सारा काम खराब। आर्चरी इसमें किसी का भी कोई आया नहीं, वो कुछ हल्का सा ओपन में उस दिन हवा चल रही थी या समथिंग कह लो, जो भी गॉड नोस, तो वहां पे तो हल्का हवा का भी। अब आपने देखा ना लॉन्ग जंप वगैरह, वो क्या बोलते हैं, अगेंस्ट द एयर विद द एयर, उसमें -2 ऐसे उन्होंने रखा होता है कि जब आपने ये जंप की तो एयर का क्या था रेजिस्टेंस, एयर आपके अगेंस्ट थी। जब आपने देखा ना वो फास्ट बॉलर ऐसे मिट्टी को उठाते हैं, ऐसे फेंकते हैं, वो देखते हैं कि विंड इधर जा रही है इधर जा रही है, आपका इन स्विंगर बॉलर होगा इधर लगा देंगे, इधर जा रही है तो आउट स्विंगर को लगा देंगे, वो देखते रहते हैं बार बार कि हवा कहाँ को जा रही है। तो ये बहुत टेक्निकली चीजें हैं। जितने स्विंग बॉलर होते हैं तो बैट्समैन क्या करते हैं, 6 फुट 6 इंच 1 फुट आगे खड़े हो जाएंगे ताकि उसकी जो बॉल स्विंग हो रही है उसको आगे ही रोक लें, वहां से आपको LBW के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सारी चीजें टेक्निकली हैं। आप बॉलर बॉल कर रहा है, एक वाइड ऑफ द क्रीज कर रहा है, एक क्लोज ऑफ द क्रीज कर रहा है, आप बिल्कुल क्लोज ऑफ द क्रीज करोगे तो एंगल बिल्कुल उसका बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको वाइड से बॉल, यहाँ से एंगल अंदर आ रहा है पड़ के बाहर जा रही है, देन इट इज मोर डिफिकल्ट। ये आपका अकरम वकार यूनिस जो लेफ्टी होते हैं, हाँ, यहाँ से बॉल उनकी आ रही है इनसाइड, आप उसको अंदर खेलेंगे, अभी बॉल अंदर आ रहा है मेरा, वो पढ़ने के बाद बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें, मतलब ये टेक्निक आपने अपने आप डेवलप करनी होती है। बुक में तो आपको दिया होगा, ये बॉल सीधी फेंकनी है, ये सीम पे फेंकनी है, ये शॉट सीधा मारना है, ठीक है। अब वो धोनी साहब आ गए, उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट बना दिया, वो स्विंग हम बैट की स्विंग लेके ऐसे शोल्डर पे लेके जाते हैं, वो ऐसे करके ऐसे घुमा देते हैं, वो उसका ट्रेडमार्क बन गया धोनी शॉट, ठीक है, दैट इज हेलीकॉप्टर शॉट। आपने मलिंगा को देखा बॉलिंग करते हुए, हाँ, उसकी बॉल यहाँ से आ रही है, दैट इज टोटली राउंड आर्म एक्शन। और राउंड आर्म एक्शन से यॉर्कर मारना बहुत डिफिकल्ट है, हाई आर्म से आप मारोगे तो आपका यॉर्कर एक्यूरेट होगा, और यहाँ से तो बॉल कंट्रोल में करनी इतनी डिफिकल्ट है, वो देखो कितना अच्छा बॉलर रहा है।